जूनियर एक लव स्टोरी है और मेरा किरदार एक आई एम डूइंग अ कैमियो एक्चुअली गेस्ट अपीयरेंस है, मगर एक बहुत ही अलग है मेरा जो किरदार, मिष्टी नाम है मेरे किरदार का और बंगाली लड़की है और शायद ये एक हटके रोल है, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि जहाँ मैं फुल फ्लेज्ड रोल्स कर रही हूँ आई शुड डेफिनेटली टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज एन एक्टर। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं, मुझे उनके साथ काम करना था। मैं जब उनको मिली थी तो उन्होंने कास्टिंग कर ली थी एंड तब उन्होंने मुझे कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंड मैं चाहूँगा कि तुम करो, क्योंकि वो रोल ऐसा है कि वो उभर के भी आएगा और ये फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो इस कहानी को भी आगे बढ़ाता है। मिष्टी यामी का भाई होता है जो फौज में होता है, वो मर जाता है तो एक यंग विडो है। हम जब सिनेमा में देखते हैं यंग विडो तो ऐसा लगता है कि अरे दुखी, सैड, ओल्ड, बट ऐसा कई बार होता है जो फौज में होते हैं या कितने हमारे जो जवान होते हैं उनकी बीवियाँ होती हैं, यंग विडोज़ होती हैं। तो क्योंकि एक मॉडर्न लड़की है, पढ़ी लिखी है, बहुत ही डायनामिक है, इनफैक्ट शी इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ, ऐसा लगता नहीं आपको जब आप पहली बार देखेंगे स्क्रीन पे तो लगता है यामी और ये दोनों बहनें हैं या दोस्त हैं, और धीरे धीरे ये कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है। इस फिल्म में जो हम डेफिनेशन देते हैं एक लव स्टोरी की, तो जब किसी से पूछा जाता है, जब हम एक डिस्कशन में होते तो हर किरदार को पूछा जाता है व्हाट इज़ लव, तो प्यार क्या है, तो मिष्टी का ये कहना है कि प्यार इंतज़ार है, और क्योंकि उसके ऊपर जो बीती है एंड शी अंडरस्टैंड्स व्हाट इटर्नल लव इज़, एक बहुत ही स्वीट शॉट एंड स्पेशल रोल है मेरा इस फिल्म में एंड आई एम श्योर एंड होपिंग दैट एवरीबडी लाइक्स इट। निशिता, आपके लाइक किरदार के बारे में बात कर रहे थे, बंगाली का किरदार निभा रही है तो मराठी में भी आपने काम किया, हिंदी में, तो किस तरह का रोल में अपने आप को ढालना? मैं मानती हूँ कि चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आजकल तो हर टाइप का जो हम देखते हैं सिनेमा एक माध्यम बन गया है जो दर्शक भी बहुत इंटेलिजेंट है, दे लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स और उसे एक्सेप्ट करें, इसी वजह से फिल्में भी काम कर रही है, मराठी फिल्म्स हैं, बहुत सारी फिल्म अभी आई हैं एंड लोगों को पसंद भी आ रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर एक्टर्स एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि चाहे मैं कोई भी फिल्म करूँ एक अलग किरदार हो एंड मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर मिष्टी का रोल हो, ऐसे फुल फ्लेज्ड अगर एक रोल भी होता तो मैं ज़रूर करना चाहती एंड एज एन एक्टर वी कीप ग्रोइंग, लर्निंग एंड डूइंग डिफरेंट रोल्स। आपके लाइक इस फिल्म में यामी एंड पुलकी के साथ काम करना, किस तरह का पूरा तालमेल रहा आपके, आप दोनों के बीच में? आई थिंक यामी और मैं वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स एंड मोर देन एनी थिंग लड़कों को तो ये लगता था कि दो लड़कियों की पट गई ऐसे, बिकॉज नॉर्मली डजेंट हैपन द टू फीमेल को स्टार्स वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स, आई डोंट नो, बट आई थिंक शी इज़ लवली, शी इज़ ग्रेट टू वर्क विथ एंड वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क एंड पुलकित इज़ फन लविंग एंड मिसचीवियस एंड गुलशन इज़ ऑल्सो लाइक दैट, सो अच्छा लगा, इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं सारे स्केड्यूल्स में नहीं थी बिकॉज आई हैव अ ब्रीफ रोल, बट वॉट एवर आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई एंजॉयड माई सेल्फ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि मतलब पुलकित एंड यामी बहुत ही अभी नए हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, उनके साथ काम करना कहीं कुछ ऐसा लगा कि? नो, इनफैक्ट दे आर अ वेरी नाइस फ्रेश कपल एंड मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके एंड वी वर अ ग्रेट हैप्पी टीम टुगेदर। यामी, इस फिल्म के बारे में बात करें तो 17 जून को लाइक रिलीज होने वाली है, तो दर्शकों को क्यों ये फिल्म देखना चाहिए, इसके बारे में मैं कहूँगी कि देखिए जॉनर तो लव स्टोरी है, एवरी लव स्टोरी हैज़ द सेम काइंड ऑफ फ्लेवर बट इट्स डिफरेंटली टोल्ड, और क्योंकि एक चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए कि एक लव स्टोरी को अगर दर्शकों के सामने अलग तरीके से ले आए, आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी एंड आपने इस पैर को पहले भी देखा है पुलकित यामी को, बट विथ गुलशन्स रोल एंड माई रोल आई थिंक लोगों को एक अलग कास्ट एंड स्टोरी ज़रूर दिखाई देगी, तो यू शुड गो एंड वॉच इट एंड एंजॉय इट। बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करें तो काफ़ी ऐसे रोल हमें ग्लैमरस रोल मिल जाते हैं, चाहे वो लव स्टोरी क्यों ना हो लेकिन काफ़ी ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता है। या तो ऐसे जैसे सैराट मूवी अभी जो रिलीज हुई वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही चीज़ों को एकदम अलग ढंग से दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपनी बॉलीवुड में मिस हो रही थी, उसके बारे में चाहेंगे? नहीं, आई थिंक अब तो बॉलीवुड हैज़ इवॉल्व्ड एंड अ लॉट ऑफ गुड फिल्म्स आर कमिंग, चाहे और जैसे मैंने कहा मराठी, हिंदी, बंगाली, बहुत सारी फिल्में हैं, तो हिंदी फिल्में भी बहुत अब लोग अलग तरीके से बना भी रहे हैं, तो आई थिंक अच्छा लग रहा है मुझे दैट इट्स अ डिफरेंट डेफिनेशन दैट एंड अ डिफरेंट टाइम फॉर सिनेमा।
एटलास्ट अपने व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि इस फिल्म को देखने क्यों जाएं? और एंजॉय जुनूनियत एंड एंजॉय द लव स्टोरी, गेट एंटरटेन्ड एंड जो भी एक क्यूट स्वीट मैसेज है वो ज़रूर ले जाएं बैक होम, एंड आई आई होप यू लाइक मिष्टी इन द फिल्म.